सोनभद्र के रावर्सगंज कोतवाली इलाके स्थानीय कस्बे में एक रिटायर्ड टीचर से 20,000 लूट का मामला सामने आया है। रिटायर्ड टीचर बैंक से पैसा निकालकर अपने घर जा रहा था, इसी बीच हौसला बुलंद बाइक सवार बदमाशों ने रावर्सगंज चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर टीचर से पैसे छीनकर फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। सोनभद्र के रावर्सगंज कोतवाली इलाके के स्थानीय कस्बे में जामवंत शर्मा रिटायर्ड टीचर अपने बैंक खाते से पैसा निकालकर घर वापस जा रहा था, उसी समय बाइक सवार दो बदमाश जिन्होंने रिटायर्ड टीचर से पैसे छीन लिए और फरार हो गए। यह मामला रावर्सगंज चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर हुआ। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच की जा रही है, कुछ सुराग मिले हैं जिसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ मैं स्टेट बैंक से रुपया 20,000 निकाला हूँ। अच्छा। और निकाल करके और वहाँ से रिक्शे पर बैठ करके मिंटू के यहाँ चाय पिया हूँ जी। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि मन्ना के यहाँ पान ले लूँ और दो कदम चल भी लूँ, पैरवा जाम हो जाता है न चलने से। वहीं से बैग लेके आ रहे थे, तब तक दो लड़के वो मोटरसाइकिल पर थे और पीछे जो बैठा था काले रंग की जर्सी पहने था। किस स्थान पे हुआ ये घटना? यही तत्काल क्या किया, हो हल्ला नहीं किया? मैंने शोर किया, कोई दिखलाई नहीं दिया, तो 100 नंबर पर मैंने फोन भी किया जी। 100 नंबर मैंने फोन भी किया जी, लेकिन उठाया ही नहीं। अच्छा। इसके बाद एक लड़का उधर से आ रहा था तो उससे मैंने कहा, तो वो कहा कि अब काफ़ी निकल गए होंगे सब, हम कहाँ पकड़ पाएंगे। चौकी के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 85 वर्ष है, श्री जाम मोहन शर्मा, ये बैंक से 20,000 रुपये निकाल कर वापस जा रहे थे। जैसे ही ये रोड पर चल रहे थे तो इनका कहना है कि पल्सर पर, ब्लैक कलर की पल्सर, इसके ऊपर दो व्यक्ति इनका बैग छीन कर भाग गए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पूछताछ में लगे हैं। अभी कुछ CCTV वगैरह में सुराग मिले हैं, उसके तहत अग्रिम जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें FIR दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। अभी सर दोपहर में सुबह उरमौरा में एक सिपाही के साथ मारपीट हुई।